गाइस, आज की रेसिपी है ब्रेड पॉकेट्स, जो कि बहुत ही डिलीशियस इवनिंग स्नैक है। आप ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। बहुत ही इजीली आप घर पे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने ब्रेड पॉकेट्स। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, आप देख सकते हैं, उसमें मैं उबले हुए आलू डाल रही हूँ। ये ब्रेड पॉकेट्स बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं घर पे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन्हें बनाने के लिए। आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, जितनी ज़रूरत है मैं उतने आलू लूँगी। ऐसे मैश कर लूँगी आलूओं को अच्छी तरह से। ये देखिए, आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब मैं इन आलूओं में डालूँगी ये चिली फ्लेक्स और प्याज कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज है, और थोड़ा सा ऑरिगेनो। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैं डालूंगी गाजर, गाजर को कद्दूकस कर लिया था ऐसे, ये डालूंगी। और थोड़ी सी शिमला मिर्च, और थोड़ा सा मैं टोफू डालूंगी, चीज़, सोया चीज़। आप दूसरा भी डाल सकते हैं, मेरे को ये अच्छा लगता है। और हरा धनिया, अभी मैं स्पाइसेस और डाल दूंगी इसमें, और नमक डाल दूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप नमक डाल सकते हैं। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और अभी इनको मिक्स कर लूंगी मैं अच्छी तरह से, हाथों के साथ कर लूंगी, अच्छे से हो जाएंगे। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये ब्रेड पॉकेट्स, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, मेरा मिक्सचर रेडी है। अभी मैं ब्रेड को शेप दूंगी, ब्रेड को लूंगी और उन्हें बेल लूंगी। आपको बताती हूँ कैसे करना नेक्स्ट प्रोसेस। ये इसको साइड पे रख देंगे। सबसे पहले ब्रेड के चारों तरफ से कोने काट दूंगी मैं, ये देखिए ऐसे कट कर दूंगी मैं। ये देखिए, मैंने ब्रेड के चारों तरफ से काट दिया है। अभी मैं क्या करूंगी, ये जो है ये किनारे हमारे वेस्ट नहीं होंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे सुखा के। तो मैं थोड़ा सा अभी इसमें इसके ऊपर पानी लगाऊंगी, थोड़ा सा हल्के हाथ से, और इसे ऐसे बेल लूंगी, और ऐसे बहुत ही इजी है ये बनाना। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से ये बेल लिया है ब्रेड। अब इसमें मैं फिलिंग रखूंगी, ये देखिए ऐसे हमने इसे कर लेना है, और इसे ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे, और इधर से हमने ऐसे घी लगा के इसे सेट कर देना है, और इधर से भी हमने घी लगाना है थोड़ा सा। आप चाहें तो मैदे का घोल भी लगा सकते हैं। ये देखिए रेडी है, ऐसे ही हम बाकी के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने सारे फिल कर लिए हैं, कितनी बड़ी तरह फिलिंग हुई है। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम है जो मैंने स्लो पे रखी थी,
अभी मैंने हाई पे रख दी है। अब 1 बाय 1 हम सभी डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। ये देखिए मैंने एक साइड टर्न की है, कितनी बढ़िया तरह कुक हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरह कुक हो रहे हैं। बाकी के पीसेस भी डाल दूंगी। ये देखिए कुक हो गया है, इसे निकाल लेती हूँ। ये लीजिए रेडी है, हमने सर्व कर लिए हैं। मैं इनका कितनी क्रंची है वो आवाज़ सुनाऊंगी आपको। ये देखिए बहुत ही लाजवाब बने हैं, बहुत ही क्रंची और डिलीशियस हैं। और मैंने इसे इन्हें ऐसे सजाया है, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं ये ब्रेड पॉकेट्स। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। इनको टेस्ट करके बताऊंगी कि कितनी ये क्रंची बने हैं। वो देखिए कितनी अच्छी फीलिंग आई है। और लेट मी टेस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। थैंक